हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। टुडे वी विल डू क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, हमारी बुक जो है उसका नाम है एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स प्राची। तो इसमें हम करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखना है, इसमें हमने सीखना है रेशियो, प्रोपोर्शन और यूनिटरी मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो के बारे में कि रेशियो होती क्या है। रेशियो क्या होती है, व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड By division, we can say that we have found a ratio. जब हम दो चीजों के बारे में दो क्वांटिटीज का कंपेरिजन करते हैं, जब दो क्वांटिटीज का कंपेरिजन करते हैं और वो जो क्वांटिटीज हैं, जो भी दो चीजें हैं जिनका हम कंपेरिजन कर रहे हैं, वो सेम काइंड एक ही तरह की होनी चाहिए। ठीक है, By division, division में हम इनका कंपेरिजन करते हैं तब हम कहते हैं कि we found a ratio। हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मदर की हाइट और डॉटर की हाइट ले ली, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जो मदर की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है और जो डॉटर है उसकी जो हाइट है वो हमारी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम, तो इनकी रेशियो निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं 150:50। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, सेम काइंड होना चाहिए। सेंटीमीटर का कंपैरिजन सेंटीमीटर से, मीटर का मीटर से, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसकी कटिंग करें, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो डिवीजन भी लिख सकते हैं 150/50। हमने जीरो से जीरो काट दिया, 5 3 15, 5 1 5, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ गया, 3:1। इसको कैसे बोलते हैं, 3:1, कैसे बोलेंगे, 3:1। जो रेशियो होती है ना वो हमारे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसके साथ यूनिट नहीं लगता, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा जब हम इसकी रेशियो निकालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मान लो एक क्लास में हमारे पास 40 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं, तो हम यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो निकालना है, बाय डिविजन से निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टूडेंट्स हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हमें ये देखना है कि जो दो क्वांटिटीज, जिन क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो दोनों एक ही तरह की होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट से करेंगे, डॉक्टर का कंपैरिजन डॉक्टर से करेंगे, किसान का किसान से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनका हम कंपेरिजन कर रहे हैं, इनकी रेशियो निकाल रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 40/20। इसको कटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 मीन्स 2:1। ये फ्रैक्शन में भी आ गई, जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो 2:1। जो रेशियो होती है वो बिल्कुल अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, और लेट्स सी एन एग्जांपल। रेशियो को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, 1 मीटर टू 50 सेंटीमीटर, इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, ये मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है। अभी आपको बताया कि जिन दो क्वांटिटीज में हम कंपैरिजन करते हैं, जिनका हम रेशियो निकालते हैं, वो सेम काइंड होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए। अब यहाँ पे मीटर है और ये क्या है, हमारा सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 250 सेंटीमीटर। अब जब हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 सेंटीमीटर आ गए और ये भी हमारे सेंटीमीटर है। अब हम इनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ये भी सेंटीमीटर में आ गए और ये भी सेंटीमीटर में आ गए, तो इसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर/50 सेंटीमीटर। अब देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। जब हम किसी दो क्वांटिटीज को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तब हम यहाँ पे यूनिट नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसमें यूनिट नहीं होता है, तो इसको कटिंग करें, 52 से 100, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2:1 मीन्स 2:1। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारा है 500 ग्राम टू 2 केजी, ये केजी है और ये है ग्राम्स है, ये किलोग्राम्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज कर लेंगे। अब हमें पता है 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम्स, क्लियर, ये हमें पता है 1 किलो में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ये 500 ग्राम्स है और 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे ग्राम्स बन जाएंगे।
किलोग्राम कट जाएगा हमारा 500 अपॉन 2000, क्योंकि जब हम 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा। 20 से 20 कट गई, 5 × 5 = 40, तुम्हारा आंसर आ गया 1:4। ये रेशो में कन्वर्ट हो गया 1:4। तो आपने देखा ग्राम्स का कंपैरिजन ग्राम से करेंगे और सेंटीमीटर का कंपैरिजन सेंटीमीटर से करेंगे, फिर ही हमारा रेशियो निकल के आएगा। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, अब समझते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है? देखो जैसे मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है शेडेड है और 3 पार्ट इसमें अनशेडेड है। अगर हम निकालते हैं शेडेड रेशियो अनशेडेड, अब इसमें शेडेड कितने पार्ट है 1 और अनशेडेड कितने हैं 3, तो इसकी रेशियो होगी 1:3। इस तरह से दूसरा सर्कल है हमारे पास, दूसरे सर्कल को हमने एक पार्ट से डिवाइड किया है, इसके 2 पार्ट शेडेड हैं और बाकी जो 6 पार्ट है वो अनशेडेड है। अगर हम इसकी रेशियो निकालें, शेडेड रेशियो अनशेडेड, तो शेडेड कितने पार्ट है 2 और अनशेडेड कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेशियो है। किस तरह से इक्विवेलेंट है? अगर हम इसको कट काट दें, यहां पे इसकी कटिंग कर दें, तो इसका भी आंसर 1:3 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1:3 है। तो दोनों रेशियो क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो है। और एग्जांपल लेते हैं, 2:4, 4:8, 3:6, ठीक है, 5:10, ये सारी रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो। कैसे? कि जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1:2। कैसे? 2/4, अगर हम इसको काट दें 2/4 को, तो आ गया 1:2। जब हम 4/8 की कटिंग करेंगे, इसका आंसर भी 1/2 आएगा। 3/6 इसकी कटिंग करेंगे तो इसका आंसर भी 1:2 आएगा। 5/10 इसकी कटिंग करेंगे तो इसका आंसर भी मेरे पास 1/2 आ जाएगा। तो देखो ये सारे आंसर जो है सेम रेशियो में आ गए, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2। तो ये सारे रेशियो क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो है। चलो इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। हाँ जी, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:2। हमारे पास 3:2 गिवन है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3/2। हमें क्या करना है? 3:2 की इक्विवेलेंट रेशियो निकालनी है 3, ठीक है। इसकी जगह पेपर में आपसे 4, 5, 6 कितने भी इक्विवेलेंट रेशियो पूछ सकते हैं। तो जब हम इसको इक्विवेलेंट रेशियो में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आ गया, 6/4, मीन्स 6:4 आ गई। 6:4 इज इक्वल टू 3:2। कैसे? देखो 6/4 इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें ऊपर भी और नीचे, कितना आ जाएगा 3/2। जिस नंबर से हमने यहां मल्टीप्लाई किया अगर हम उसी नंबर से इस रेशियो को डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, सेम रेशियो आ जाएगी 3:2, जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया। ये हमने क्या निकाली है, 3 इक्विवेलेंट रेशियो निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट आ गया हमारे पास, सेकेंड में हम क्या करेंगे, 3/2 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9/6, 9:6 आ गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट निकालनी है थर्ड, थर्ड कैसे निकालेंगे हम, 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से, सेम नंबर से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करने, तो ये आगे हमारी 3/4 = 12, 2/4 = 8, 12:8। ये सारे इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है, 3:2 के। मैंने आपको फर्स्ट बता दिया कैसे इक्विवेलेंट आ गई, सेकेंड देखो कैसे इक्विवेलेंट आ जाएगी, 9:6 है, हमने इसको 3/3 से मल्टीप्लाई किया था 3/2 को। अगर हम सेम नंबर से इसको डिवाइड कर दें, 3 से ऊपर डिवाइड कर दें, 3 से नीचे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, मीन्स 3:2। क्लियर? इस तरह से 12:8 आ गई। 12:8 को अगर हम 4 से ऊपर डिवाइड कर दें और 4 से नीचे डिवाइड कर दें
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 मीन्स 3:2 इसकी इक्विवेलेंट आ गई। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे पेपर में 4 आ जाए, 4 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करनी है, तो हम आगे कैसे करेंगे, पहले हमने 2 से ऊपर नीचे किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, अब हम किससे करेंगे, 5 से, 5 3 15 5 2 10 15:10 ये भी किसके इक्वल है, 3:2 रेशियो के इक्वल है, क्लियर। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 5 पूछा तो नीचे एक नंबर और बढ़ा देंगे, 6/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल और कि किस तरह से इस क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, फिल द करेक्ट नंबर। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि 3/5 इज इक्वल टू 12/ क्वेश्चन मार्क, कि 12 के नीचे क्या नंबर रखें कि ये जो नंबर है हमारा वो 3/5 के इक्वल आ जाए, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे अगर हम एक्स सेलेक्ट कर लें कि यहाँ पे कोई नंबर है एक्स, वी डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें और 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स के साथ जो नंबर 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मीन्स अगर 12 के नीचे 20 रखें तो ये 3/5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब किस तरह से इक्वल आएगा, देखो अगर इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो ये 3/5 है तो ये भी 3/5 आ गया, इट मीन्स ये दोनों रेशियो इक्वल आ गई। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा, 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, नीचे 20 है, मीन्स ये जो 20 है इसके ऊपर मैं कौन सा नंबर लिख दूं कि ये 4/5 के इक्वल आ जाए, मुझे वो नंबर नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क के हटा के, क्वेश्चन मार्क को हटा के हम यहाँ पे एक्स रख देते हैं। अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, x की वैल्यू निकालिए, x के साथ जो नंबर 5 है वो सामने जाके डिवाइड हो जाए, 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसका मतलब है 20 के ऊपर अगर मैं 16 रख दूं तो वो 4/5 के इक्वल आ जाएगा, कैसे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4/5 के, कट कर लो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये भी 4/5 बन गया और ये भी 4/5 बन गया। तो क्वेश्चन मार्क मीन्स x की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा, 16, और यहाँ पे जो x है नीचे इसके जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा, 20। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 144:84। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, हमारे पास क्या है, 144:84 मीन्स 144/84, हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 के टेबल से कट कर सकते हैं इसको, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से कर सकते हैं हम इसको, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अब देखो 36 से ऊपर और नीचे 21 है, 21 2 के टेबल में नहीं जाता तो 3 के टेबल से इसको कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे हमारा आ गया 12/7। 12/7 का मतलब है 12:7, तो ये आंसर आ गया हमारा 12:7, तो देखो कौन सा आंसर है हमारा, ठीक है, 12:7 आंसर आ गया हमारा। इसके बाद सेकेंड पार्ट है द रेशियो ऑफ 0.12 kg, 0.12 kg एंड 180 ग्राम्स, इनमें हमें क्या निकालनी है, रेशियो फाइंड करनी है। अब ये देखो ये केजी है और ये ग्राम्स है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा। अब हमें पता है
1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। क्लियर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 0.12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ग्राम्स बन गया। इसके नीचे हम लिख देंगे 180 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया। अब 0.12 इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहां मल्टीप्लाई 100 करेंगे, नीचे आएगा हमारा मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब ये जीरो इससे कट गई, ये टू जीरो इससे कट गई, 100 से 100 काट दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 12/80। क्या बच गया, 12/80। इसको कट कर सकते हैं, 2 6 12, 2 9 18। ठीक है, अब ये 6/9 किस पे कटेगा, 3 से, 3 2 6, 3 3 9, तो क्या आ गया हमारे पास, 2/3। 2/3 मीन्स 2:3, 2:3 आंसर आ गया हमारा, 2:3। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ 720 ml टू 4 लीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रेशियो किसमें फाइंड करनी है, 720 ml टू 4 लीटर्स। अब ये देखो, ये मिलीलीटर है और ये हमारे पास लीटर है। अब हमें इसको सेम बनाना होगा, ये अगर हमारा मिलीलीटर है तो इसको भी हम मिलीलीटर बना लेते हैं। अब आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, इसी तरह से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4000 मिलीलीटर। अब ये है हमारे पास 720 ml, इनके हमें क्या निकालनी है, रेशियो। 2 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, रेशियो। अब मिलीलीटर से मिलीलीटर कट हो जाएगा क्योंकि सेम यूनिट होगी। जब हम रेशियो निकालते हैं, आपको मैंने इंट्रो में बताया कि हम सेम यूनिट में ही निकालते हैं, सेंटीमीटर का कंपैरिजन सेंटीमीटर से करेंगे और मिलीलीटर का मिलीलीटर से करेंगे। एमएल से एमएल कट गया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 720/4000। इसको हम कट कर सकते हैं, 10 से 10 कट गई, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 0 आ गगया, 2 1 2, 2 8 16, नीचे 100 आ गया। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 9 18, 2 5 10, ये 7 में 0 आ गई, तो हमारे पास आ गया 9/50। अब 9 2 के टेबल से नहीं कटता, ठीक है, 3 के टेबल से 9 कटता है तो 53 के टेबल से नहीं कटता, तो ये और आगे नहीं कट सकता, तो हमारा आंसर आ गया 9:50 या 9:50। अब देखो आपके ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर जो है वो कौन सा है, 9:50 आंसर बी। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, मनीष प्रिपेयर्स अ स्वीट डिश। मनीष क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्वीट डिश बना रहे, विच नीड्स 18 कप ऑफ मिल्क एंड 3 कप्स ऑफ शुगर। उसको क्या चाहिए, मिल्क और शुगर। मिल्क कितना चाहिए, 18 कप्स। अगर 18 कप्स मिल्क है उसके पास तो शुगर कितनी चाहिए, 3 कप्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, ही हैज 36 कप ऑफ मिल्क। उसके पास कितना मिल्क है, 36 कप्स। ठीक है, हाउ मेनी कप्स ऑफ शुगर डज ही नीड। अगर उसके पास 36 कप मिल्क के हैं तो शुगर के कितने कप्स चाहिए, तो वी डोंट नो शुगर के कितने कप्स चाहिए। यहां पे लेट कर लेते हैं कि यहां पे एक्स कप्स चाहिए उसको, जो चीज हमें पता नहीं है उसको हमने लेट कर लिया कि एक्स कप्स है। ठीक है, तो यहां पे देखो, मिल्क रेशो शुगर इज इक्वल टू मिल्क रेशो शुगर। पहले मिल्क है, यहां पे भी पहले मिल्क है, बाद में यहां शुगर है तो यहां पे भी शुगर है। अब यहां पे देखो, कप्स कप्स
ठीक है, सेम यूनिट है, कब कब से कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18/3, कब से कब कट गए 18/3 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे कब से कब कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36/x। अब हमें निकालना है कि अगर उसके पास 36 कप्स मिल्क के हैं तो शुगर कितने कप होनी चाहिए। अब मैंने आपको एग्जांपल में बताया था पीछे इंट्रो में, तो कि अगर हमें कोई यहाँ पे नंबर निकालना है कि 36 के नीचे क्या नंबर होगा कि ये 18/3 के इक्वल आ जाएगा, तो हमने इसकी जगह एक्स रख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 18 × x = 3 × 36, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x = 3 × 36, x = 3 × 36 हमने यहां लिखी है। x के साथ जो नंबर 18 है इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे। अब हम काट देंगे, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 3 × 2 = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। मतलब अगर उसके पास 36 कप्स मिलते हैं तो शुगर के कितने मिल्क चाहिए उसको, कितने सॉरी शुगर के कितने कप्स चाहिए 6, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब ऑप्शन देखो, आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 12, 6, तो क्या आंसर आया आपका 6 आ गया x की वैल्यू, तो आपका ऑप्शन आ गया 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, 3/7 = 9/, यहाँ पे कोई नंबर लिखना है, ठीक है। 9 के नीचे हम क्या लिखें कि 3/7 के इक्वल आ जाए, तो हमने क्या रख लिया यहाँ पे x रख लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × x 7 × 9, x की वैल्यू निकालनी है हमें, जो 3 x के साथ है इसको नीचे ले गए, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, x की वैल्यू कितनी आ गई 21, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3/7 = 9/21। देखो इसको काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, तो 3/7 के इक्वल आ जाएगा ये, क्लियर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 2:3, 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3, 8:-, इसको नहीं लिख सकते हम नीचे, ये नीचे आ गया, ठीक है। इसकी जगह पे हम क्या ऐड कर सकते हैं x। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × x 3 × 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ जो 2 है वो नीचे चला गया, 2 × 2, 2 × 4 = 8, 3 × 4 = 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। तो 2/3 = 8/12, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये जो डैश था हमारा इसकी जगह पे क्या आ गया 12, क्या आ गया 12। तो देखो इसको अगर हम कट कर दें, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा ये जो बॉक्स था ब्लैंक था हमारा, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया 21। हाँ जी, इस वीडियो में हमने इंट्रो की रेशो क्या होती है, ठीक है, और 10.1 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।